व्यक्ति है हमारे साथ जो पीड़ित हैं इस मामले में आ, वो खुद एक प्राइवेट एम्प्लॉई है और आई थिंक आपके भी ऑनलाइन जो आ, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आप दोनों के अकाउंट एक ही जगह है राइट, राइट रा, तो आ, आपके साथ क्या हुआ जरा बताइए आप कब कितनी उम्र आपकी कब से आप मार्केट में हैं सर मेरी उम्र थर्टी सिक्स करूंगा जी बिजनेस का और अनिल जी आपने इतना इम्पोर्टेंट चीज आपने उठाई यहाँ पे सर देखिए हम लोग अपनी सैलरी का बहुत छोटा छोटा पार्ट सेव करके ये शेयर्स खरीदते हैं हम लोग डे टू डे ये ट्रेडिंग नहीं करते हैं पिछले चार पांच साल छह साल से हमने ये शेयर्स को जो इकट्ठे किए हैं जी, वो हैकर ने दो मिनट में हमारे प्लेटफॉर्म को यूज किया और उसने पूरा पूरी इक्विटीज बेच दी गॉड और ये सारे स्क्रिप्ट वो बेचे हैं जो कि ऐसे रेट्स पे हमने बाय किए थे विच इज वेरी मतलब मुझे नहीं लगता उसका लॉस इजीली है बताना आज की तारीख में बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो जब सेवेंटी परसेंट प्रॉफिट नहीं बेचे और जी. आज के शेयर में बेचने का कोई मतलब नहीं था जी। अब मैं बताता हूँ इस हैकर ने क्या किया कि ग्यारह बज के सात मिनट पर मेरे को मेरे ब्रोकर से नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होता है कि आपके शेयर सेल हो रहे हैं अच्छा मेरा नोटिफिकेशन जो कि मैंने किए नहीं मैंने तुरंत लॉग इन करने की कोशिश करी मैं लॉग इन वापस नहीं कर पाया हुँ। तो मैंने पासवर्ड रीसेट किया बिकॉज आई थॉट मे बी मेरा पासवर्ड एक्सपायर कुछ भी हुआ कि मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ मैंने right. ग्यारह बज के चौदह मिनट पे लॉग इन किया लॉग इन रीसेट करके देखा तो मेरे शेयर सब बिक चुके हैं तो मैंने इमीडिएटली दो मिनट में उनको कॉल किया अपनी ब्रोकर को कि भाई ये उसमें उनको कॉल करके सत्ताईस मिनट लगे हा? मैंने सत्ताईस मिनट मेरे को, को लगे समझाने में उनको ब्रोकर को? ब्रोकर को कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ इवन कॉल के दौरान मैं उनको बोल रहा हूँ ये ट्रेड मेरे हो रहे हैं इसको आप इसमें ये मैं नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि ब्रोकर को यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए था एब्सोल्युटली तो दो आपके दोनों के केस में एक क्लियर कट केस है कि ब्रोकर को तुरंत ब्लॉक करना चाहिए मेरे केस में 40 मिनट 40 मिनट दो से दो चालीस और आ, कौन है आपके ब्रोकर सर मैं ब्रोकर का नाम हाँ ओके वो आ, वो आपकी मर्जी पर है लेकिन आ, लीडिंग आपके ऑनलाइन ब्रोकर ब्रोकर वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर आप सोच लीजिए जिस ब्रोकर को आप लीडिंग ऑनलाइन सबसे बड़ा ब्रोकर मानते हैं उसके ये तो ऐसा हो गया कि आप फायर ब्रिगेड पे फोन करें कि आग लगी है और फायर ब्रिगेड ये पूछे की कहाँ लगी है किसने लगाई है कितनी बड़ी लगी है आ, कब से चल रही है मतलब उस प्रोसेस में ही आपका पूरा टाइम पास कर ले और बजाय फायर ब्रिगेड भेजने के राइट हमें ऐसा भी दिखाया गया कि आग आग आप आग आपने ही लगाई है <laughs> अच्छा आगे अच्छा आप हमने ये केस को एनएससी में भी प्रेजेंट किया अच्छा, कि हम लोगों के साथ ये हमने कम्प्लेन लॉन्च करी उस उसपे भी उनके उनके रिप्रेजेंटेटिव का बोलना था हम दो लाख अकाउंट पर डे ओपन करते हैं हाँ। ये आपके साथ ही क्यों सा, ये आपको देखना तो है कि हमारे से तो वो क्या चाहते हैं सबके साथ हो <laughs> वो आपके साथ ही हुआ है गजब है है ये क्या जवाब मैं उनके उनसे वो बोल कि आपने ऑप्शन उन्होंने एक दो टेक्निकल ऑप्शन है जो कि मैं उन कॉल के दौरान उन्होंने बोला कि आपको ये यूज करने चाहिए थे तो मैंने बोला जब मैं आपके कस्टमर केयर के साथ हूँ वो उसको सजेशन देना था मेरे को कि आप ये ऑप्शन यूज कीजिए करेक्ट बिकॉज वी आर नॉट वेरी एक्सपर्ट इन दैट एब्सोल आप ब्रोकर थोड़ी है आप तो कस्टमर uh, है अगर आप में इतनी समझ होती तो आप ही इंडिया का नंबर वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलकर बैठ जाते वही, तो, तो उस दौरान उसने मेरे मेरे अकाउंट से सारे शेयर्स बेचे मेरे जो जितने भी प्रीमियम शेयर्स थे हुँ. और उसने जो ऑप्शन बाय किया हुँ. वो ऐसे रेट पे बाय किया विच इज आईटीसी 192.5 जुलाई एक्सपायरी नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर ट्रेड पे चल रहा है एक सौ बारानवे का आप आ, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जाकर ट्रेड कर रहे हैं यानी कि आपको लॉस देना है 100%. सामने वाले खरीदने वाला आप है बेचने वाला कोई और, है। आपके और में उसने उसने पूरा एक उसने मेरे अकाउंट ऐसी आईटीसी के माई गोड पच्चीस सौ शेयर की लॉट साइज है उसकी माई गॉड ओके तो ये पूरा का पूरा लॉस आपके अकाउंट में उन्होंने Okay. इसमें मैं एक और ऑन करूंगा इसमें मेरे केस में जब उन्होंने ये कीजिए मेरे केस में एक ही मैं हेल्प करूंगा कि पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लिया okay. और उसने इमीडिएटली एक्सचेंज को या बाकी जिसको भी जहां पे कुछ होल्ड करने की थी hmm. पुलिस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया hmm. अब आगे का प्रोसीजर आप समझ सकते हैं कि उसको कैसे फाइट करना है hmm.